नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहिन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शहर में गौरा गौरी विसर्जन को लेकर अनेक स्थानों में निकाली गई शोभा यात्रा, हजारों की संख्या में लोग हुए शामिल। सत्संग के माध्यम से आर्ट ऑफ लिविंग ने चलाया मतदाता जागरूकता अभियान, स्वयं मतदान कर दूसरों को भी मतदान करने प्रेरित करने दिलाई शपथ। दुर्ग ग्रामीण से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी संजीत को मिल रहा युवाओं का साथ और बुजुर्गों का आशीर्वाद, जनसंपर्क अभियान में बड़ी संख्या में जुट रहे हैं लोग। अब खबरें विस्तार से। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने परंपराओं का निर्वहन करते हुए सोटे खाए। गौरा गौरी की पूजा अर्चना के पश्चात प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि खुशहाली के लिए कामना करते हुए उन्होंने सोटे के प्रहार को सहा। छत्तीसगढ़ में गौरा गौरी पूजा का विधान है, रात भर गौरा गौरी का निर्माण करते हैं और सुबह उसकी पूजा करते हैं, घर घर जाते हैं, उसकी आरती ली जाती है, नारियल भेंट करते हैं, कुछ रुपया पैसा भी भेंट करते हैं और सब गौरा गौरी से आशीर्वाद लेते हैं और उसके बाद फिर विसर्जन होता है। और इसके साथ साथ नृत्य भी करते हैं, देवता भी कर जाते हैं, सोटा भी लेते हैं और अनेक प्रकार की गतिविधियाँ संचालित होती है। तो सबको मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। अपने बीच में कोई मलाल हो वो भी दूर हो जाता है, तो इस प्रकार के इसका अर्थ है। अभी परंपरा चली आ रही है, हो सकता है मनोरंजन के लिए भी हो सकता है कुछ सीख भी हो, तो ये सब परंपरा है जिसका निर्वहन हम लोग करते हैं। आरोप लगाया है कि आपने जो गृह लक्ष्मी योजना देखिए, हम लोग तो गारंटी देते जा रहे हैं, है ना, और हमको लक्ष्मी पूजा के लिए बचा करके। और कल हमने लक्ष्मी पूजन के दिन छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना हमने शुरू की, तैयारी हमारी पहले से थी। भारतीय जनता पार्टी झांसे में आ गई। दीपावली के बाद छत्तीसगढ़ अंचल में गोवर्धन पूजा के साथ ही गौरा गौरी की पूजा अर्चना की जाती है। इसी कड़ी में दुर्ग के शंकर नगर सहित अन्य जगहों पर गौरा गौरी यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं नजर आई। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक त्योहारों में से एक गौरा गौरी पूजा जो बड़ी आस्था के साथ मनाई जाती है। इस वर्ष ग्रहण लगने के कारण सोमवार और मंगलवार को शोभा यात्रा के साथ ही विसर्जन यात्रा निकाली गई। इस परंपरा को निभाते छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने ऊपर कोड़े का प्रहार सहते नजर आए, तो वहीं दूसरी ओर इस पर्व को लेकर दुर्ग शहर में विभिन्न जगहों पर ये परंपरा निभाई गई। इसी कड़ी में शंकर नगर के गौरा गौरी चौक पर विराजित गौरा गौरी की पूजा अर्चना कर स्थानीय लोगों ने अपने ऊपर कोड़े का प्रहार किया। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक त्योहारों में से एक गौरा गौरी पूजा की अर्चना कर बड़े ही धूमधाम से विसर्जन यात्रा निकाली गई, जिसमें समाज और मोहल्ले वासियों ने दिलचस्पी के साथ शोभा यात्रा में शामिल हुए। मंगलवार को दुर्ग के शंकर नगर वार्ड के गौरा गौरी चौक से बड़ी संख्या में विसर्जन यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाएं पुरुष सहित बच्चे शामिल हुए। गाजे बाजे की धुन पर एक एक कर धर्म प्रेमी अपने ऊपर कोड़े का प्रहार करते नजर आए। इस दौरान सजी धजी महिलाओं ने विधि विधान से गौरा गौरी की पूजा अर्चना कर अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। इस संबंध में समाज के बुजुर्गों ने इस तरह की जानकारी गौरा गौरी पूजा को लेकर दी। गौरा गौरी पर्व जो है, गौरा गौरी का शिव और पार्वती के विवाह का जो है वो पुरातन समय से चले आ रहा है, बहुत पचास साठ साल से चल रहा है, है ना। किस तरह की मान्यता है उसके बारे में बताओ। हाँ, गौरा मतलब हाँ, शिवपति के जो विवाह का जो ये है, है ना, उस पार्वती के और शिव का विवाह के यहाँ पे अब परंपरा बनाए रखे हैं विवाह में। शिव पार्वती के विवाह जो होते हैं
हमन 50 साल से करत आ था और अभी तक के हमन है मानत आ था और ये सब चीज पूरा मोहल्ला के मिल के सब कार्यक्रम करथन। 50 वर्षों से चल रहा है और ऐसा सम्मान करके इसको लेके जाते हैं। यहाँ कोई हो हुड़दंग तो होता ही नहीं है। माता रानी शिव शक्ति का ये है और ये पूरा क्या है, शिवमय हो गया है शंकर नगर। लोग सोचते हैं ना शंकर क्या है, ये शंकर नगर नहीं शिव नगर है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दिवाली के रात दुर्ग के खेल दुकान में गोदाम में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। दुर्ग में दीपावली की रात बड़ी आगजनी की घटना हो गई। इसमें खेलकूद से संबंधित दुकान के गोदाम में आग लग गई। आग ने भीषण रूप लेकर अंदर रखे सारे सामान को जलाकर राख कर डाला। बता दें दुर्ग के संतराबाड़ी क्षेत्र में जय हिंद स्पोर्ट्स की दुकान में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई थी। इसके बाद मौके पर शामिल लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। इसके बाद मौके पर दमकल विभाग की लगभग 15 गाड़ियों की मदद से गोदाम में लगी आग पर काबू पाया गया। इस दौरान दुर्ग सीएसपी मणिशंकर चंद्रा और दमकल विभाग की निगरानी में आग पर काबू पाया गया। इस दौरान गोदाम में रखे लाखों रुपए के सामान जलकर स्वाहा हो गए। इस घटना में कितना नुकसान हुआ है इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता और इसका कोई ब्यौरा भी नहीं आया है, मगर आगजनी की इस घटना में कोई जान मान की हानि नहीं हुई। इस संबंध में मोहन नगर थाना प्रभारी विजय यादव ने प्रतिक्रिया दी। रात्रि में एक सूचना आई थी कि जो अपना संतराबाड़ी है उसमें जय हिंद स्पोर्ट्स क्लब है, जो दुकान और गोदाम दोनों है, वहाँ आगजनी हुई है करके, तो जाके देखा तो काफी भीषण रूप से आग लगी हुई थी। उस समय तत्काल दमकल की टीम को बुलाया गया था और फिर काफी अथक प्रयास के बाद आग पे काबू पाया गया है और उसमें किस प्रकार से जन हानि तो नहीं हुई है और उनके जो क्षति या नुकसान हो उस संबंध में जांच कार्रवाई की जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। हरियाली तीज पर महिलाओं का दिखा उत्साह। सुहागिन महिलाओं ने 16 श्रृंगार कर की गौरा गौरी की पूजा और अर्चना। दुर्ग में हरियाली तीज पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर सुहागिन महिलाओं ने अपने पति के लिए 16 श्रृंगार में सज धज कर गौरा गौरी की पूजा अर्चना की और परिवार की खुशियों के लिए मन्नतें मानी। सुहागिनों ने परंपरा के अनुसार बायना देकर आशीष प्राप्त किया और मिट्टी के गौरा गौरी बनाकर विधि विधान पूर्वक चौक पर विराजमान कराकर पूजन किया। ऐसी मान्यता है कि तीज पर गौरी की पूजा करने से माता पार्वती दाम्पत्य जीवन को खुशियों से भर देती है। इसी के चलते सुहागिन महिलाओं ने पूजा अर्चना के बाद मन्नतें मानी, साथ ही पति की लंबी आयु के लिए उपवास भी रखा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयां, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्तरोग, चर्मरोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा ना होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। मैया गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंगरीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। भारतीय सिल्क एक्सपो 2023 हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी जो कि इन दिनों सूर्या मॉल के सामने ग्राउंड में लगी हुई है। शहरवासियों की पहली पसंद बनी इस प्रदर्शनी में 50,000 से ज्यादा वैरायटियां उपलब्ध है। त्योहारी सीजन में एक ही छत के नीचे 50,000 से ज्यादा वस्तुओं का संग्रह उपलब्ध होने के कारण
रोजाना हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। श्री कृष्णा हस्तशिल्प ग्रामोद्योग समिति के तत्वावधान में लगी प्रदर्शनी में देश के विभिन्न राज्यों की विशाल श्रृंखला उपलब्ध है। जैसे बता दें, राजस्थान से जयपुरी बेडशीट, टोप राजस्थानी चुनर, सुपारी मुखवास जयपुरी सूट है, तो वहीं उत्तर प्रदेश से लखनवी चिकन सूट, कुर्ता पैजामा, शर्ट, बनारसी सिल्क साड़ी है। हरियाणा से बेडशीट, कवरनेट, खादी ड्रेस मटेरियल सूट आदि है, तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली से हैंडलूम ड्रेस मटेरियल, फैंसी लेडीज टॉप, फैंसी लेडीज चप्पल, लेदर बैग, लेदर बेल्ट पर आदि है। तो साथ ही साथ कोलकाता से काथा सिल्क साड़ी, फैंसी ड्रेस मटेरियल, कोलकाता कॉटन साड़ी व टॉप कोलकाता जूट बैग है। महाराष्ट्र से फैंसी लेडीज चप्पल, स्पेशल कॉटन साड़ी एवं ड्रेस मटेरियल। तो साथ ही साथ गुजरात से बेबी ड्रेसिंग, दीवान सेट, गुजराती नमकीन, चनिया चोली, गुजराती टॉप आदि है। और बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर से कश्मीरी टॉप सूट, एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस, कारपेट, दुपट्टा, कश्मीरी शॉल है। तो कर्नाटक से कॉटन सिल्क साड़ी, चना पट्टनम टोयस, मैसूर अगरबत्ती, सूट पाचम पल्ली साड़ी आदि है। पंजाब से फुलकारी सूट, नाइट सूट, टी शर्ट, लेदर बैग। तो मध्य प्रदेश से चंदेरी सिल्क साड़ी, ड्रेस मटेरियल। बिहार से भागलपुरी सिल्क साड़ी, सूट, ड्रेस मटेरियल, मधुबनी पेंटिंग, आयुर्वेदिक हेयर ऑयल। हैदराबाद से नेचुरल पल्स, हैदराबादी मोती ज्वेलरी, हैदराबादी साड़ी, सूट, ड्रेस मटेरियल है। तमिलनाडु से विंडो कॉटन, डोर कॉटन, पिलो कवर, डोर मैट है। तो ओडिशा से क्रोएशिया बेबी सूट, टेबल मैट आदि है। इतना ही नहीं, सहारनपुर के खूबसूरत फर्नीचर सहसा ही लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। दुकानदारों ने ही बताया कि उनके पास किस रेंज के, किस वैरायटी के सामान उपलब्ध हैं। भारतीय सिल्क एक्सपो हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी एकमात्र ऐसी प्रदर्शनी जिसमें एक ही छत के नीचे किफायती दरों पर हजारों वैरायटियां। तो देर किस बात की है, आप भी इस त्योहारी सीजन में अपने बजट के अनुसार मनपसंद खरीदारी करने भारतीय सिल्क एक्सपो अवश्य पहुँचे। हमारा पता भारतीय सिल्क एक्सपो, सूर्य मॉल के सामने, जुनवानी रोड, स्मृति नगर, भिलाई। अब टीवी देखना, सीरियल देखना, धार्मिक चैनल देखना, छत्तीसगढ़ी न्यूज देखना, छत्तीसगढ़ी गाने देखना और भी आसान। जी हाँ, ग्रैंड एशियन भिलाई आपके लिए लाया है एक शानदार पैकेज, ग्रैंड महापैक। जी हाँ, जिसमें आप पाएंगे 40 से भी ज्यादा HD चैनल, स्टार, जी, सोनी, कलर्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, मूवी, कार्टून, 40 लोकल चैनल, जिसमें 6 छत्तीसगढ़ी चैनलों के साथ सूफी टीवी, गुरबानी, कॉमेडी, बॉलीवुड, हॉलीवुड, फिल्मी गाने, सभी भाषाओं के चैनल जैसे सिंधी, तेलुगु, तमिल, मलयाली, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, मराठी, बंगाली एवं अन्य भाषाओं के चैनल्स। साथ ही साथ 3 लोकल न्यूज चैनल्स, ग्रैंड एशियन न्यूज, ग्रैंड न्यूज लोकल और ग्रैंड न्यूज राष्ट्रीय। तो जल्द इस ऑफर का लाभ उठाएं मात्र 350 रुपए में। जी हां, सिर्फ 350 रुपए में ये सारे पैकेजेस आपको दिए जा रहे हैं। तो आज ही संपर्क करें अपने केबल ऑपरेटर या ग्रैंड एशियन भिलाई ऑफिस। तो हमारा नंबर है 07884011778। आप जल्द ही संपर्क कर सकते हैं और इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। जी हाँ, धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में खेतों में काम आने वाले हार्वेस्टर उच्च क्वालिटी व गुणवत्ता के दुर्ग कमला मोटर्स में उपलब्ध। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन, मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन, मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर 5C9500 डीलक्स मॉडल। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन मशीन कृषकों की सुविधा का ख्याल रखते हुए अब हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। साथ ही साथ सभी तरह के हार्वेस्टर। हमारा पता कमला मोटर्स, GE रोड, गंजपारा, दुर्ग। तो देर किस बात की है। धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा। खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हाँ, केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता के केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप केस कंबाइन मशीन। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। केस का वादा
खर्चा कम काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केस कंबाइन मशीन उपलब्ध है। केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन, हमारा पता कमला मोटर्स, गंजपारा, जी रोड, दुर्ग। मोबाइल नंबर 8 के बाद आप सबका स्वागत है। आर्ट ऑफ लिविंग संस्था द्वारा सत्संग के माध्यम से मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया, साथ ही स्वयं मतदान कर दूसरों को भी मतदान करने को लेकर जागरूक करने की अपील की गई। आगामी 17 नवंबर को हो रहे दूसरे चरण के मतदान को लेकर सभी स्थानों में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और 100% मतदान करने को लेकर अपील करी जा रही है। इसी के तहत आर्ट ऑफ लिविंग संस्था द्वारा सत्संग के माध्यम से मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। सत्संग में आए उपस्थित लोगों से स्वयं मतदान करने के साथ दूसरों को भी मतदान करने प्रेरित करने की शपथ दिलाई गई। सत्संग का लाभ बड़ी संख्या में लोगों ने उठाया। सभी ने 100% मतदान करने को लेकर शपथ ली। आर्ट ऑफ लिविंग संस्था एक आध्यात्मिक संस्था है। संस्था द्वारा हमेशा समाज हित में, राष्ट्र हित में कार्य किया जाता है। तो आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के द्वारा श्री श्री रविशंकर जी का मार्गदर्शन है कि एक भारतीय होने के नाते हर व्यक्ति अपने मताधिकार का प्रयोग करे, अधिक से अधिक संख्या में करें। तो इसलिए आर्ट ऑफ लिविंग संस्था द्वारा एक भजन सत्संग आयोजन किया गया। उसमें सभी लोगों ने संकल्प लिया कि हम लोग 17 नवंबर को मतदान करेंगे, खुद भी करेंगे, लोगों को प्रेरित करेंगे। मतदान स्वतंत्र रूप से करें, निष्पक्ष होकर करें, बिना किसी दर दबाव करें। संस्था अपने ग्रुप में लगभग पूरे भिलाई दुर्ग मिला करके लगभग 15,000 से अधिक संस्था के सदस्य हैं जो आर्ट ऑफ लिविंग के सुदर्शन क्रिया करते हैं। उन लोगों को मैसेज जा रहा है कि आप लोग मतदान करें, निर्भीक होकर करें। 17 नवंबर के मतदान मतलब 17 नवंबर के दिन ये जो उंगली है ना, इसमें सबको अमिट स्याही लगाना है और मतदान करने जाना है, एक अच्छे लोकतंत्र की परंपरा को निभाना है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। दुर्ग के मोहन नगर थाने क्षेत्र में विवाद के बाद हुई मारपीट में युवक की हत्या, जिसके बाद मौके से आरोपी फरार हो गए। दुर्ग मोहन नगर थाना क्षेत्र सिकोला भाटा में दीपावली की रात युवकों के ग्रुप में किसी पारिवारिक बात पर हुए विवाद में एक युवक की हत्या का कारण बन गई। बता दें, मृतक का नाम रवि राजपूत है और ये सिकोला भाटा का रहने वाला बताया गया है। दीपावली की रात में मौज मस्ती करने ग्रुप में बैठे आधा दर्जन युवकों के बीच एक दूसरे को चिढ़ाने के साथ पुरानी रंजिश में हुई आपसी विवाद के चलते आयुष यादव और दिलीप साहू ने अपने पास में रखे बटन चाकू से रवि राजपूत पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। इसके बाद खून से लथपथ रवि राजपूत को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद एक्शन मोड में आई दुर्ग पुलिस ने मोहन नगर थाना टीम के साथ जांच में जुटकर घटना में शामिल लोगों से पूछताछ की और दो लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। दोनों ने अपराध कबूल कर लिया है, जिसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। इस संबंध में मोहन नगर थाना प्रभारी विजय यादव ने प्रतिक्रिया दी। रात में लगभग 12:30 के आसपास परिजन आए हुए थे कि उनका कहना था कि रवि को मारपीट हुआ है और कुछ बोल नहीं रहा। तो फिर तस्दीक के आधार पर हम जिला अस्पताल पहुंचे थे, वहां जाकर देखे तो फिर रवि उर्फ विष्णु राजपूत को डॉक्टर साहब ने मृत घोषित किया था। और उसके पश्चात फिर पतासाजी में आगे बढ़े तो फिर देखे कि सिकोला बस्ती का एक घटना थी जिसमें संदेह के आधार पर कुछ लोग लायक थे और पूछताछ के ये जानकारी कि आपसे कुछ इनका रंजिश रहा है, तो एक दूसरे को भड़काने वड़काने के नाम पे फिर लड़ाई झगड़ा हुआ था। चोट उनका जो है वो गंभीर प्रकृति का दिखा था, जो हमने उनका जो शव का जो प्राथमिक दृष्टिकोण से निरीक्षण किया था। बाकी जो पंचनामा के पास भेज दिया गया टीम के बाद में उसी को खुला शव पाया गया। जो पूछताछ के लिए तो कुछ 5-7 लोगों को लाए थे, जिसमें दो लोगों का नाम ज़्यादा उसमें
घटना में संलिप्त होने की पुष्टि हो रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दिव्यांग जनों ने राम सीता लक्ष्मण और हनुमान का रूप धारण कर दीपावली का पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मनाया। इस मौके पर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान भी संपन्न कराए गए। फील परमार्थ फाउंडेशन द्वारा दिव्यांग जनों के उत्थान को लेकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। मानसिक और शारीरिक रूप से दिव्यांग लोगों को संस्था में लाकर उनका समुचित उपचार भी कराया जाता है। सड़क पर घूमते मानसिक रूप से दिव्यांगों को उनके परिजनों के पास सकुशल भेजने का कार्य भी संस्था द्वारा निरंतर किया जा रहा है। इसी के तहत दिवाली के दूसरे दिन संस्था परिसर में दिव्यांगों द्वारा दीपावली मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें राम सीता लक्ष्मण हनुमान का रूप धारण किए दिव्यांग सभी के आकर्षण का केंद्र बने रहे। इस अवसर पर संस्था परिसर में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान भी सम्पन्न हुए। भक्ति गीतों के माध्यम से शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग जनों ने आकर्षक प्रस्तुतियां दी। आयोजन की जानकारी अजय शुक्ला ने दी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा था, कल जो है फील परमार्थम संस्था द्वारा दीपावली मिलन समारोह मनाया गया। इतना अच्छे ढंग से फील परमार्थम संस्था में जो यूथ लोग जुड़े हुए हैं, जो काम कर रहे हैं, मन बहुत प्रसन्न हो गया। हम लोग हर जगह जाते हैं, वहाँ जा करके ऐसे लोग जो बेसहारा थे, विक्षिप्त थे, जिनका कोई सहारा नहीं था, जो रोड में, गली में, मोहल्ले में पड़े रहते थे, उनका दूर दूर तक कोई ठिकाना नहीं था, ऐसे लोगों को पकड़ करके, ऐसे लोगों को ला करके फील फरमार्थम संस्था द्वारा, जिसमें अमित राज करके लड़का है जो उसका मेन लीड लेके काम कर रहा है, उन ऐसे लोगों को ला करके फील फरमार्थम रखते हैं और उन लोगों के माध्यम से दिवाली मिलन समारोह किया गया। कल्पना नहीं कर सकते हैं, जब वो खुद उन्हीं में से जो विक्षिप्त लोग थे, जब राम बने, लक्ष्मण बने, सीता बने, हनुमान बने, जब आ रहे थे, तो जो रोड में विक्षिप्त थे, जिनको कोई सहारा नहीं था, उनसे सब लोग आशीर्वाद ले रहे थे। तो बहुत ही आनंद आया, अद्भुत आनंद आया। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो लोग नेक काम करना चाहते हैं, वे लोग उस बच्चों से मिलें। और उस और एक बड़ी खासियत है, उस संस्था में पूरा यूथ जुड़े हुए हैं। कहते हैं नशा अच्छी चीज़ की हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो उन बच्चों में सेवा की नशा अमित राज ने लगा दिया है। फील परमार्थम संस्था बहुत ही अच्छा काम कर रही, बहुत सारी शुभकामनाएं। इस अवसर पर शहर के गणमान्य नागरिकों सहित आसपास के रहवासी मौजूद थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बनी रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। टेंशन ना लो, शिवा ले। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं नर्सरी से कक्षा 8वीं तक। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर ACC बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निशुल्क प्रवेश स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए। इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है, पुस्तकालय सुविधाएं हैं, CCTV कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहां मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है।
बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस, निकट ACC बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर, उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर, चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर। इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रील टाइन, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं, कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स, ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, GE रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080। बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी मुकेश चंद्राकर को विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक वार्डों के लोगों का प्यार और आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। मुकेश चंद्राकर का जगह जगह वार्डवासियों द्वारा स्वागत सम्मान किया जा रहा है। मुकेश चंद्राकर के पक्ष में प्रचार प्रसार करने युवाओं महिलाओं की टोली निरंतर कार्य कर रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा मुकेश चंद्राकर के पक्ष में विभिन्न वार्डों में सभाएं भी ली जा रही है, जिसे बड़ी संख्या में वार्डवासी शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रतिमा चंद्राकर, नीता लोधी, जानिसार अख्तर और अमित जैन ने अपनी प्रतिक्रिया दी। जी, सबसे पहले बात तो मैं ये कहना था कि छत्तीसगढ़ में हम सब प्रांत के लोग यहाँ पर रहते हैं और सब एक दूसरे के से भाईचारा है। मुकेश चंद्राकर और चंद्राकर परिवार का जमीन यहाँ पर है, हम लोग यहीं के रहने वाले हैं। हम लोग कहाँ बाहर के हुए, यहीं के हैं और यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में। और अभी तक से जो हुआ, जो इन लोग फैला के रखे थे, वो हिंदुत्व की बात करते थे। तो माननीय भूपेश बघेल जी ने बता दिया कि भगवान राम के जो नाम लेने वालों को भी किस तरह से उन्होंने राम गमन पथ बनाकर जिस तरह से छत्तीसगढ़ के संस्कृति को, धर्म को जोड़ा है, उससे अब इनकी मोह बंद हो गया है। इसलिए जो यहाँ पर जो हिंदूवादी, राष्ट्रवादी और RSS का गढ़ कहा जाता है, तो उसको हम, उस किले को हम लोग तोड़ने जा रहे हैं, भेदने जा रहे हैं और बहुत प्रचंड बहुमत से यहाँ से अपनी जीत हासिल करेंगे। यहाँ पर ऐसे कोई बात नहीं है, यहाँ सब लोग
कांग्रेस के लोग काम कर रहे हैं, हमारे पार्षद काम कर रहे हैं, यहाँ के जितने हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो सब निकल कर हमें कांग्रेस को जिताना है, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार बनाना है, ये अब सबके मन में आ गई है। क्योंकि पूरा विश्वास होने लगा है कि माननीय मुख्यमंत्री ही इस प्रदेश का विकास कर सकते हैं। और मुकेश चंद्राकर जी संगठन से हैं और जिस तरह से संगठन को उन्होंने जोड़ कर रखा है, तो सारे कार्यकर्ता जो हमारे निचले स्तर के हैं और जो हमारे सभी विंग के जो वो हैं कार्यकर्ता, सभी क्रेडर वर्कर यहाँ पर लगे हुए हैं। और मुझे कहीं नहीं लगता कि हम इस चुनाव को प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। और वैशाली नगर का जो भ्रम है कि यहाँ पर आरएसएस गढ़ है या बीजेपी ही जीतती है, उसको हम इस किला को भेद कर विजय हासिल करेंगे, यह मुझे पूर्ण विश्वास है। लोगों का समर्थन कैसा मिल रहा है चंद्राकर? लोगों का समर्थन बहुत अच्छा मिल रहा है। हम लोग जहाँ पर जा रहे हैं दाऊजी को याद कर रहे हैं, माननीय भूपेश बघेल जी को याद कर रहे हैं, इस परिवार को याद कर रहे हैं, मुकेश चंद्राकर जी की सरलता को याद कर रहे हैं और उनको मतलब दोनों प्रत्याशी में कंपेयर कर रहे हैं कि मुकेश चंद्राकर एक पढ़ा लिखा प्रत्याशी है और साथ में रिकेश से जो जिस तरह से उसकी वो है उसको कंपेयर करके लोगों को लगने लगा है और बुद्धिजीवियों को भी लगने लगा है कि अब मुकेश चंद्राकर एक अच्छे जनप्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर हम नेतृत्व कर सकते हैं। इसलिए उनका भी समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इतने दिन के मेरे कैंपेनिंग में कहीं पर ये बात नहीं आई है कि वो बाहरी है, ये बात कहीं नहीं आई है। केवल भ्रम फैलाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, उसको तोड़ने का काम कांग्रेस ने किया है और सारे कार्यकर्ताओं ने किया है। खूब बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, सभी समाज का, महिलाओं का, नौजवानों का और बुज़ुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है। कारण ये है कि 15 साल का जो सूखा पड़ा था और छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार पिछले बार बनी थी और 70 सीटों पे बनी थी, इस बार हमारे मुखिया बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि 75 पार करेंगे। तो वैशाली नगर जो है इस बार हमारी 76वीं सीट रहेगी, ये आशा और उम्मीद सारे लोगों को है। क्योंकि ये पिछड़ गया था क्षेत्र, दो बार के विधायक दिवंगत जी रहे हैं भसीन जी, एक बार के विधायक वो रही हैं सरोज पांडे जी, लेकिन यहाँ पर सूखा पड़ा है 15 साल से कांग्रेस के लिए। इसलिए जनता ने मूड बना लिया कि जब सरकार बन सकती है कांग्रेस की तो ये भी सीट हम जीत के देंगे। ये बिल्कुल ही गलत बात है। पहले भाजपा के तथाकथित प्रत्याशी द्वारा ये अफवाह उड़ाई गई थी कि बाहर से कांग्रेस के प्रत्याशी को लाया गया, जिसमें लोगों ने एकदम से उस बात को नकार दिया है। क्योंकि आदरणीय मुकेश चंद्राकर जी की जो छवि है, जो सरलता है, जो सौम्यता है, उस पे और उनके निवास पे, उनके घर में जब कोई लोग जा रहे हैं तो उनको जब आदर सत्कार और प्रेम मिल रहा है, उनके घर में खुला दरवाजा है कि आधी रात को भी कोई आ सकता है, और वहीं दूसरी ओर जब मुकेश चंद्राकर जी के अलावा रिकेश सेन के घर में जब जा रहे हैं तो बड़ा बड़ा सीसीटीवी कैमरा उनको कैप्चर कर लेता है और गार्ड से पूछने पे कहता है कि मना कर देता है कि यहाँ पे रिकेश सेन जी नहीं है, और अंदर जाने की कोशिश करने पे वहाँ कुत्ते को छोड़ दिया जाता है। तो वैशाली नगर की जनता ऐसे कुकुर घुमैया और फूल चुरैया को ना चुनते हुए सरल सौम्य मुकेश चंद्राकर जी को चुनेगी और इसका हमें पूरा विश्वास है। जी बताएंगे, भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार ने हमेशा महिलाओं के हित के बारे में काम किया है और साथ ही साथ आप देखेंगे कि कोरोना के बाद महिला स्वयं सहायता समूह का ऋण माफ किया गया था। महिलाएं नरवा गरवा घुरवा बारी के प्रोजेक्ट में काम करके आत्मनिर्भर हो रही हैं, महिलाओं पे अत्याचार होना कम हुआ है, अपराधी की श्रेणियां कम हुई है। और आपने देखा कि तीजा बोला के अवसर पर सहृदय छत्तीसगढ़ की महिलाएं सीएम साहब के घर जाती थी और अपने भाई के आंगन में तो अपना तीजा का त्यौहार मनाकर आती थी। समय समय पर महिलाओं को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभ दिया जाता रहा है पिछले 5 सालों में, और इस साल दिवाली के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने हमारी माताओं बहनों को एक उपहार दिया है, छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना के तहत ये 15,000 रुपये महिलाओं के खाते में जाएंगे और सीधा सीधा लाभ इनको मिलेगा। और साथ ही साथ सिलेंडर वाले जो बात है कि 500 रुपये उनको सब्सिडी मिलेगी, वो भी सीधे खाते में जाएगी। कांग्रेस पार्टी हमेशा लोगों के लिए जो योजनाएं लाती है और उनको लाभ देती है, वो लाभ सीधे हितग्राही के खाते में जाता है। भारतीय जनता पार्टी के जैसे नहीं, जुमलेबाजों जैसा नहीं, जो केवल नौटंकी करते हैं और शिवगुफा छोड़ते हैं, झांसा देते हैं, लोगों को छलने का काम करते हैं, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने
कहा था 15-15 लाख रुपए आएंगे सबके खाते में, कहाँ आए, आज 9 साल होने को गए। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने कहा था नोटबंदी के बाद काला धन आएगा, कहाँ आया काला धन। ये केवल जुमलेबाजों की सरकार है, ये महिलाएं भली बात ही जानती। आप बात कर रहे थे इनकी मातारी बंधन योजना की, छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई योजना नहीं चली और ये केवल छलावे के रूप में ये फॉर्म भरवा रहे थे। ये फॉर्म में न कोई इनका क्रमांक नंबर था, न ही एक किसको इंडोर्स किए थे ये बात भी नहीं लिखी हुई थी, न ही जिन महिलाओं से फॉर्म बांटे जा रहे थे उनका अकाउंट नंबर भी नहीं लिया जा रहा था। ये केवल और ये भारतीय जनता पार्टी के वही लोग हैं जो अभी प्रथम चरण में जो 20 विधानसभा के चुनाव हुए हैं इस प्रकार का फॉर्म वहाँ नहीं भराया गया। ये भारतीय जनता पार्टी जब जान चुकी है कि ये 20 की 20 विधानसभा सीट प्रथम चरण की हार रही है, तो इन लोगों ने ये नया तमाशा चालू किया है फॉर्म भरवाने का। पर मैं ये बता दूं, हमारी छत्तीसगढ़ की माताएं बहनें बहुत सजग हैं, बहुत आत्मनिर्भर हैं और बहुत स्वाभिमानी हैं। ये इनके झांसे में आने वाली नहीं, जिस प्रकार 2018 में भारतीय जनता पार्टी को मुखी खानी पड़ी थी उसी प्रकार इस बार भी सभी माताएं बहनें युवाओं किसानों सारे लोगों का मत कांग्रेस को जाएगा, क्योंकि महिलाओं को विश्वास है कांग्रेस पार्टी पे। आम आदमी पार्टी सिद्धू ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से संजीत विश्वकर्मा पूरे दमखम के साथ मैदान पर हैं। अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ रोजाना ये घर घर जाकर जनसंपर्क जुटाते देखे जा रहे हैं। क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं को दूर करना ही उन्होंने प्राथमिकता बताया है। लोगों से मिल रहे अपार स्नेह को उन्होंने आभार व्यक्त किया है। देखिए, ध्रुव ग्रामीण विधानसभा की बात करता हूं मैं, जहां पे रिसाली नगर निगम क्षेत्र भी आता है और ध्रुव ग्रामीण विधानसभा में 59 गाँव भी आते हैं, एक नगर पंचायत उतई भी है। आपको बताना चाहता हूं कि हर जगह के लिए हमने एक ही सोच रखी हुई है, कहीं पे किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। हर किसी को जो उनके मूलभूत अधिकार हैं, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, चाहे उनके आवास की बात हो, हर चीज़ को लेकर हमने ध्यान दिया है। और जो हमने गारंटी पत्र जारी किया है उसमें एक प्रमुख बात ये ज़रूर हमने लिखा है कि जो पिछली बार गंगा जल लेकर हाथ में कसम खाया था कभी यहाँ पे जिसने सरकार बनाया था, हम इस बार ध्रुव ग्रामीण से पूर्ण रूप से शराब के ठेके हटा रहे हैं और बंद कर रहे हैं। इस बार आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती के साथ ध्रुव ग्रामीण में तैयार है और इस बार आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ध्रुव ग्रामीण में जनता का इतना प्यार मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है कि इस बार ध्रुव ग्रामीण से जीत हम दर्ज कर रहे हैं। देखिए, आवास और व्यवस्थापन को लेकर जो एक बड़ी समस्या रही है ध्रुव ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ भी विकास कार्य किए गए हैं शहरी क्षेत्रों में और विकास कार्य के दौरान लोगों के सड़क चौड़ीकरण में मकान तोड़ दिए गए, किसी का कोई व्यवस्थापन नहीं हुआ, ये समस्या रिसाली नगर निगम क्षेत्र में और ज़्यादा हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी जहाँ जहाँ पे सड़कें चौड़ी हुई हैं लोगों का मकान तोड़ दिया गया, किसी को मुआवजा नहीं मिला। इस बार हमने इस बात की गारंटी जारी की है कि अगर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति का मकान या दुकान कहीं गलती से किसी योजना की वजह से तोड़ा जाता है, उसको तोड़ने से पहले उसकी व्यवस्थापन की जाएगी, उसके बाद उस मकान को तोड़ा जाएगा, जो हमने गारंटी पत्र में लिखकर जारी किया हुआ है। देखिए, चिटफंड जैसे ढेर सारी कंपनियों में आम जनता के पैसे फंसे हुए हैं, चिटफंड कंपनियां उनको पैसे दे नहीं रही, हाईकोर्ट का भी आदेश पास है उसमें, लेकिन इस पर जो यहाँ की सरकारें हैं उन्होंने ध्यान नहीं दिया, कभी उनको उनका हक दिलाने का प्रयास नहीं किया। इस बार ध्रुव ग्रामीण विधानसभा के हर एक व्यक्ति का जिसका पैसा इस प्रकार से चिटफंड में फंसा है, सारा जैसी कंपनियों में फंसा, उसको दिलाने का काम ग्रामीण विधानसभा में मैंने जवाबदारी ली है और मैं उनको दिलाऊंगा। वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय सेब छाप प्रत्याशी डॉक्टर संगीता शाह ने अपने संकल्प पत्र में कहा कि विकास के साथ ही यहां की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए हमेशा काम करती रहूंगी। इसके अलावा यहाँ से विधायक चुने जाने के बाद बेटियों की चिंता होगी दूर, सारी गृह में उपयोग किए जाने वाले सामान उपलब्ध होंगे, नवजात शिशु की बीमा, साल भर में यहाँ के बच्चों के लिए आधुनिक पार्क, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बच्चों के भविष्य के लिए फिजिकल ट्रेनिंग और कोचिंग, मजदूरों के लिए विशेष बीमा योजना, व्यापार के लिए बिना ब्याज के ऋण योजना, वार्ड में सुरक्षा के लिए सीसी कैमरे सहित विभिन्न योजनाओं पर कार्य करने की बातें उन्होंने कही। हमारे वैशाली नगर विधानसभा परिवार के आदरणीय मतदाता साथी, आपको सादर नमस्कार। मैं संगीता शाह, निर्दलीय प्रत्याशी वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 66, आपको बधाई देना चाहती हूँ कि आप इस महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपना योगदान देने के लिए तैयार हैं। समृद्धि, विकास, व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प के साथ मैं इस चुनाव रण में महिला प्रत्याशी हूँ। मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ
कि मैं वैशाली नगर विधानसभा की समस्याओं, आशाओं और चुनौतियों को गहराई से समझती हूँ और इसे हल करने के लिए पूरी तरह से समर्थ हूँ। मेरी योजनाएं और कार्य प्रणाली मुख्य रूप से आपकी समृद्धि के लिए ही होंगी। मेरा लक्ष्य है विकास और समृद्धि का सृजन करना, वैभवशाली वैशाली नगर बनाना। मेरे वचनों में मुख्य रूप से हर सर को छत, हर हाथ को काम, समस्त महिलाओं को घर बैठे रोजगार, पूर्ण रूप से शराबबंदी, समस्त युवाओं को रोजगार हेतु प्रशिक्षण, हर वार्ड में 500 नई दुकानों का निर्माण, समस्त शासकीय निधि का उपयोग जनता के मत अनुसार जैसे निर्णय महत्वपूर्ण रूप से लागू होंगे। राजनीति में एक लंबी पारी खेल चुके पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी हैं। विधानसभा क्षेत्र भिलाई नगर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा वो कर रहे हैं। इस दौरान लोगों का अपार स्नेह उन्हें मिल भी रहा है। विकास के दावे और वादे करते हुए लोगों से जन समर्थन भी जुटा रहे हैं। सब लोग के ऊपर छठ माई की कृपा बनल रहे। हम मनोज तिवारी आप सबके प्रणाम करतनी। देखो प्रेम से बोली छठी मैया की, और मेरा कितना सौभाग्य है। इसी के साथ ही आपसे देंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।